दो खिलाड़ी उनके यहाँ पर बचे हुए आपको नजर आ जाएंगे। TSM FTX तीन खिलाड़ियों के साथ अभी भी ओ तीन फिनिश निकाल चुके हैं जिनी, अब यहाँ पर चौथा फिनिश भी यहाँ पर ऐड होता हुआ। और ये देखिए इनके पास जो यहाँ पर एक अच्छा कंपाउंड कवर है वहां से कितनी मल्टीपल एंगल से वो फाइट निकाल रहे हैं। एंड ये 4-10 कब बन जाएगा मेरे ख्याल से कैप्टन कभी पता भी चलेगा हमें। वेल गेम्स, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लाइक यू नो सबके सामने रखना चाहूंगा, जॉनाथन तो यहाँ पे मछली बनते हुए घूम रहे हैं। लाइक यू नो मैं समझ रहा हूँ कि आपको प्लेसमेंट पॉइंट चाहिए एंड ये एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। ये एक आप कह सकते हैं कि गाड़ी में बैठ के ये जो हील करते रहना आप, बिकॉज आप पानी में उतना ज्यादा डैमेज नहीं लेते कंपेयर टू आप सर्कल में जितना ज्यादा डैमेज अभी के लिए इस पॉइंट पे लेंगे। यहां पे डीएसएम के साथ क्लोजिंग फाइट देखने का मौका मिलेगा, डेस्ट्रो को भी एलिमिनेट किया जाएगा, 2-2 का एक डिसेंट फाइट एंड ओआर विल बी एलिमिनेटेड, 9th पोजीशन में एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड यू नो व्हाट, यहां पे ओके एक टीम नहीं गेम्स, यहां पे दो टीम्स है, ईस्ट एम्पायर एंड जोनाथन। हेलो गाइस, मतलब बातें भी थोड़ा कर लीजिए यहाँ पे ऑल माइक ऑन करके। वेल ऑफ कोर्स यू नो जोक्स अबाउट, बट जोनाथन एंड फ्रैगर, लाइक यू नो हम समझते हैं जोनाथन तो फ्रैगर है ही, एंड उसके साथ साथ अगर आप बात करेंगे फ्रैगर तो फ्रैगर है ही, तो इनकी लाइक अलग ही दोस्ती चल रही है वहां पे पानी में। देखिए अभी देखिए उनको पता है कि अगर दोनों जीवित रहेंगे और कोई भी अपनी लोकेशन रिवील आउट मतलब रिवील आउट नहीं करेगा ना, तो तब तक जीवित रहेंगे, दोनों ही रहेंगे। और मुझे जो लग रहा है शायद जोनाथन अभी भी है अलग कहीं, क्योंकि उस जगह पर मुझे नजर नहीं आ रही। क्या लगता है आपको कि जोनाथन वहां से निकल चुके हैं? वेल गेम्स, आई थिंक जोनाथन की अगर हम बात करेंगे वो अभी भी लाइक यू नो पानी में तो होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड अभी भी उनके साथ फ्रैगर बने हुए हैं। लाइक आई थिंक अगर इनफ फीलिंग्स होते हैं इन दोनों टीम्स का जो प्लेसमेंट है वो एटलीस्ट टॉप 4 में तो आने ही वाला है। देखते हैं यहाँ पे डेविनेंट के साथ आते हैं मार्कोस गेमिंग का फाइट, एंगेज होता है जाने को किया जाएगा एलिमिनेट, एंड उसी के साथ साथ कंप्लीटली मार्कोस गेमिंग को भी वाइप आउट किया जाता है। टॉप 5 में बन चुके हैं दोनों ही टीम स्काईलाइट्स गेमिंग। वेल गेम्स, स्काईलाइट्स किसका चॉइस था मैं एक्चुअली भूल रहा हूँ, मुझे लग रहा है स्काईलाइट्स को यू नो मैंने थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन दिए थे, 8 फिनिशेस भी है। वेल क्रेडिट्स नहीं लेना चाहेंगे बट ठीक है कोई बात नहीं, TSM सबसे बड़ा अभी खतरा बन सकता है स्काईलाइट्स गेमिंग के लिए, बिल्कुल उनके पास रिच एडवांटेज भले ही रहने वाले बट TSM के पास यहाँ पे कवर है। जोनाथन की अगर हम बात करेंगे वो अभी भी फाइट में बने हुए रेवेनेंट के एनकोर, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कोस्ट लाइन गेम प्ले दिखाने के लिए, वो जोनाथन यहाँ पे ऊपर आते हैं रेवेनेंट एनकोर के बिल्कुल पीछे, यहाँ पे आई बिलीव जोनाथन ऊपर आने वाले हैं, एंड फ्रैगर को भी आप देख सकते हैं फाइनली एलिमिनेट किया गया है। स्काईलाइट गेमिंग पुशिन करने वाले हैं यहाँ पे, जोनाथन पार्टी स्पॉइलर बन सकते हैं जी नहीं, यहाँ पे सोमराज करेंगे एनकोर को स्पॉट गेम्स। इन सब में फायदा हो सकता है जोनाथन का, फाइट होने दीजिए TSM या फिर अगर आप बात करेंगे स्काईलाइट्स की, दोनों में से एक टीम एलिमिनेट हो दीजिए, आप आराम से #2 तक आ सकते हैं। बट जी हाँ, देखिए शेडो क्या यहाँ पर कर रहे हैं उनको पता है, और जी हाँ अब तो देख ही लिया उन्होंने, मैं तो जिक्र करा कि जी हाँ अभी तक वो अंडर वाटर रहेंगे सेफ रहेंगे, लेकिन अब जोनाथन की लोकेशन है वो भी यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है। TSM एक ही करके यहाँ पर एक एक छटके खाती हुई नजर आ रही है, और मुझे लग रहा है स्काईलाइट्स को अब यहाँ पर शिकट निकाल से कोई नहीं रोक सकता है। जोनाथन वेट तो जरूर कर रहे हैं लेकिन वो #2 में भी अगर आ जाएंगे तो काफी खुश रहने वाले, एंड उनका वो हील बैटल उस कार के अंदर रहना अंडर वाटर हील बैटल काफी सही सही वे पे आए, और यहां पर अब TSM का भी सफर खत्म होते आपको नजर आ जाएगा। एंड क्या यहां पर फिनिश ऑफ कर दी गई जोनाथन, ओह माय गॉड #3 में खत्म #3 में खत्म होते गेम्स ओवर।